नमस्कार। कक्षा 9 एक्सरसाइज 2.3, आज हम इसका क्वेश्चन 3 कर रहे हैं। जांच कीजिए कि 7 प्लस 3x 3x क्यूब प्लस 7x का एक गुणनखंड है या नहीं है। तो बच्चों, हम शेषफल प्रमेय करते आ रहे हैं, जिसके जरिए हम बिना भाग के शेषफल देख लेते हैं, है ना। तो बड़ी सिंपल सी बात है, यदि हम शेषफल प्रमेय के अनुसार शेषफल निकालें और यदि वह शेषफल 0 आया तो यह इस बहुपद का गुणनखंड है, यदि शेषफल 0 नहीं आया तो यह बहुपद इस बहुपद का गुणनखंड नहीं है। तो आइए हम शेषफल प्रमेय से शेषफल ज्ञात करके देखते हैं। देखिए, हमारे पास जो बहुपद है px वो दिया है 3x क्यूब प्लस 7x, ये वाला। उसके बाद जिससे भाग करना है वो है 7 प्लस 3x। अभी 7 प्लस 3x को यदि मैं 0 के बराबर रखूं तो 3x किसके बराबर आ गया, 7 इधर प्लस हो रहा, उधर जाके हो जाएगा -7। 3 इधर x के साथ गुना हो रहा, उधर जाके क्या हो जाएगा, भाग। x कितना आ गया फिर, -7/3 आ गया। तो 7 प्लस 3x का शून्य का आ गया -7/3। तो शेषफल प्रमेय के अनुसार यहां हम लिख लेंगे शेषफल प्रमेय के अनुसार शेषफल किसके बराबर है, p ऑफ a के बराबर। और a कितना अभी हमने निकाला, -7/3। a कितना निकाला, -7/3। इसका मतलब ये जो हमारा शुरू में बहुपद है, ये वाला, इसमें हम x की जगह लिखेंगे -7/3। तो देखो, 3 की जगह 3, ये 3 की जगह ये वाला 3, x क्यूब की जगह -7/3 का क्यूब, प्लस प्लस 7 की जगह 7, x की जगह -7/3। ठीक है बच्चों, अब हम इसे हल करते हैं। देखो, 3 को 3 ही लिखना है, अब ये काटा बाद में है, 3 को 3 ही लिखना है। माइनस का क्यूब होगा माइनस, 7 का क्यूब यानी 7 × 7 × 7, 7 × 7 49, 49 × 7 होता है 343। तो ये आ गया -343/3 का क्यूब यानी 3 × 9 = 27। अब ये 3 से 27 कट जाएगा 9, माइनस 7 को माइनस कैसे आया, प्लस इंटू माइनस माइनस, 7 × 7 = 49 नीचे कितना है 3, ये ऊपर वाली रकम ऊपर वाली से ही गुना होती है। अब यहां लघुत्तम है 9, यहां है 3, ये आ गया -343/9 -49/3। 9 और 3 का लघुत्तम, यदि एक एक संख्या दूसरे के पहाड़े में आती हो तो दोनों का लघुत्तम होगा बड़ी संख्या 9, तो ये 9 लघुत्तम आ गया। अब इस 9 को नीचे वाली संख्या से भाग करेंगे, ऊपर वाली से गुना, 9 को 9 से गुना किया 1, 1 को ऊपर -343 से गुना किया तो आ गया -343। अब इधर 9 को 3 से भाग किया तो आया 3, इस 3 को जब ऊपर 49 से गुना किया तो ये आ गया 147, साथ में साथ माइनस। अब ये बन गया माइनस माइनस प्लस, 343 में जब 147 प्लस करेंगे तो वो बन जाएगा 490, साथ में साइन बड़ी रकम का माइनस, बटा नीचे था 9। तो हमने देखो, ये जांच कीजिए कि 7 प्लस 3x इसका गुणनखंड है या नहीं। हमारे पास जो शेषफल है वो शून्य नहीं आया, तो आप यहां लिखेंगे शेषफल 0 के बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है। अतः जो क्वेश्चन था 7 प्लस 3x 3x क्यूब प्लस 7x का गुणनखंड नहीं है, मैंने कहा था यदि शेषफल 0 आएगा तो गुणनखंड होगा, ये शेषफल 0 नहीं आया, इसलिए यह भी 7 प्लस 3x भी 3x क्यूब प्लस 7x का गुणनखंड नहीं है। इस प्रकार के इस एक्सरसाइज के या बाकी एक्सरसाइजेस के बाकी वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल मैथ गेम्स एंड एक्टिविटीज बाय KMS को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और इन वीडियोस को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।